नृत्य प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रामचंद्र की जय, वर्णनामर्थ संघाना रसनाम छंद सामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी बिना हरियो। आनंद कं सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडयंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परमपिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की मेहती अनुकंपा से आप मन के पावन धड़क राम हसदा में दो दिवसीय संगीत में मानस गान प्रत्यक्षता के तारतम्य में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु व सुंदरा की गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मानस रथ के संवाहक सम्मानित श्रद्धे मोर पितातुल्य है तो नाम लेना भी ठीक नहीं लगते सम्मानित साहू जी उद्घोषक महोदय मानस मंच में ब्रह्मदेव के रूप में बैठे हुए मोर पिता तुल्य दोनों पिता तुल्य है निर्णायकन आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण ग्राम पंचायत हस्ता के समस्त पदाधिकारीगण सम्माननीय मोर बड़े भैया देवलाल सिन्हा जी उपस्थित समस्त राम रसिक अध्यात्म पिपासु आप सबों के चरणारविंद में माँ का त्यागिनी मानस परिवार श्याम नगर राज्य जिला गरियाबंद की ओर से कोटि शह प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा ना होना नए सुख की कामना होना साथ ही हृदय में मद मोह छल कपट न हो यही तो स्थित प्रज्ञ से परात्पर आत्मबोध हो जाना आत्म साक्षात्कार हो जाना या उस सत्य से जो संसार में सत्य है जगत मिथ्या है उस सत्य से साक्षात्कार हो जाना ईश्वर से साक्षात्कार हो जाना और परमात्मा से साक्षात्कार परमात्मा से मिलन जीव के अंश के अंशी से मिलन अंशी के है ना ब्रह्म से मिलन जीव के ब्रह्म से मिलन ओ पल ओ आनंद तो अनिवर्चनीय है। आओ रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन प्रसंग अवगहन करबो हृदयंगम करबो नौकर से पहले विघ्न विनाशक सुखकर्ता दुखकर्ता
भगवान गजानन स्वामी के एक प्यारा सा वचन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परमात्मा भगवान के महति कृपा और आपन के पावन आशीर्वाद से पावन ग्राम में पावन सानिध्य में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम ला जिव्या से लेते हुए जिव्याला पावन करे के जिव्याला पवित्र करे के सुंदर अवसर आपमन के द्वारा प्रदान के गी। पुनः कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आवन रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के पावन प्रसंग जहाँ पर गोसाई जी महाराज नित्य की धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर अहिचारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोध अति दीना। भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास माता सीता भाई लक्ष्मण जी महाराज
अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पदार्पण हुए हैं। अत्रि और अनुसुईया अर्थात नहीं त्रि अर्थात तीन, जहां तीन न हो वहां तीन आते, जहां तीन न हो वहां तीन आते, जहां काम क्रोध लोभ ना हो वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य के आगमन होते। अनुसुईया अनर्थात रही, सुईया अर्थात तीर्षा, जेकर मध्य ईर्ष्या रहित हो ये तो अनुसुईया है। अनुसुईया जे कर्दम और देहूति के बेटी है और आज केवल केवल पतिव्रत धर्म के पालन, पति के सेवा के कारण से आज भगवान लजिन ब्रह्मा विष्णु महेश ला बच्चा बना करके गोदी में खेले, धन्य है वो हमर भारत की नारी। भारत की नारी जे परमात्मा ला जन्म थे, जेकर चरण छुए पर ब्रह्मानी और रुद्रानी तरस थे, जे नियम स्वरूपा व्रत स्वरूपा संकल्प स्वरूपा हो थे। नारी जे पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए सील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संचोने वाली महान कृति नारी हो थी। नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके उनमें भावनात्मक शहद मिला करके एक शिशु ला पिलाते, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जिन पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, और एक नारी जिन बहन के रूप में भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता के डोरी से बांधते, ये नारी होते। आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ केवल और केवल पतिव्रत धर्म के कारण से देखो भगवान ला ढूंढे कि ईश्वर ला पाना है तो तीन रास्ता बताते। गिर तरु नाक, गिर अर्थात पर्वत पहाड़ की तरह अडिग हो जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद चलकर आएंगे। सबरी है अडिगरी सबरी, कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़ी। मतंग जी के कथनानुसार की सबरी इंतजार करवे, धैर्य रखवे, संयम रखवे, भगवान के आगमन हुई तो कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़े। गिरी तरुणक, दुनिया के लोग जिस नीच समझ कर ठुकराते हैं, उस ठुकराए हुए लोगों को केवल भगवान ही अपनाते हैं। पाना है भगवान को तो करो सबरी जैसी साधना, ज्ञान की झाड़ू से झाड़ लो मन की कलुषित भावना, कामना वासना जिस दिन तेरे मन से मिट जाएंगे, दुनिया के हर जीव में केवल राम नजर ही आएंगे। बिल्ली के भक्ति में बंध कर भगवान स्वयं चल कर आए थे और बिल्ली के जूठे पैर भी भगवान खाए थे। भक्ति में वो शक्ति आज केवल पति भक्ति माता अनुसुईया के जीवन में पतिव्रत धर्म के पालन भगवान के पदार्पण। गिरी तरुणक, तरु अर्थात पर ही तसरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संभी अदमाई, पर के ही अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले, जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख, ये पर ही रहे। गिरी तरुणक गुरु पदनक मणिघन ज्योति और गुरु के चरणों में प्रेम, तो निश्चित रूप से भगवान के आज केवल और केवल अत्रि अनुसुईया के आगमन में भगवान मतलब आगमन हो इस भगवान के केवल पति भक्ति। वसुधा भगवान राम के अवतार के मूल प्रयोजन का राक्षस मन के वध करना और समाज में जो अस्वस्थता है ओला दूर करना। तबे तो माता के कई लग कह दी कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माँ तु चरण अनुरागी। आप मेरी जननी हो माँ, जननी तो वो होते जे बच्चा ला जन्म देते, बच्चा ला जन्म देने वाली माँ बच्चा के हर एक्टिविटी ला जान डरते कि बच्चा कब दूध पिलाना है, कब भूख लगत है। एक जननी जन जने है बच्चा वो जानते। आप मेरी जननी हो, मोर दुख ला जान डरे भगवान, जब तक अयोध्या मेरी तब तक युवराज राम कलेश, और राम जब वनवास निकल गए वनवासी बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जो भौतिक सीमा को परिभाषित कर दे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। जिन छोटे छोटे आज समाज जिन उपेक्षा की दृष्टि से देखते, जिन वंचित दलित की दृष्टि से, आज भेदभाव की दृष्टि से, जातिवाद की दृष्टि से देखते, भगवान वही मन से मिलते हुए तो गए, ओकरे मन से मिलते हुए गए। कोई बड़े राजा रामचरित मानस में कहीं पर वर्णन नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े बड़े राजा महाराजा के साथ में मिलते हुए गए। अरे जल समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखते है, जल मिलना नहीं चाहते, जेकर से मिलना
हे भगवान आपकी जैसे अंतःकरण है वैसे ही हमारे भी अंतःकरण बन जाए। और पास जब काम क्रोध लोग भी आते तो उस समय के समान में कई महान आत्मा कह के जीवन में काम की आधिक्या कह के जीवन में क्रोध की आधिक्या। भगवान जी ने ये लिखा है कि आप काम क्रोध लोग दर्ज करके मोर पास आओ। कर दिखा थे जो नर हो चरा चर द्रोही आवे समय शरण तक मोही तजी मद मोहक पट छल नाना करूं संग ते साधु समाना। कथे कोई भी जीव जितनो ही दुराचारी जितनो ही पापी क्यों ना हो अगर भयवश मोर शरण में आके तज करे मद मोह और नाना प्रकार की छल कपट का तोला मैं शीघ्र ही साधु के समान पर लौटूं। असत मद मोह किस प्रकार यहाँ पर निश्चलता निष्पक्षता मतलब ईर्ष्या रहित जेकर मति अनुसूयन मत होते हाल रही आया था रहित सूयर था ईर्ष्या जेकर मति ईर्ष्या रहित भगवान के पदार्पण माता सीता और शुचर बैठ करके ज्ञान भक्ति के सुंदर बात माता पतिव्रत धर्म के पालन कैसे करना चाहिए वैसे तो माता सीता का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी महाराज जिस ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए लक्ष्मण जी महाराज जगदाधर है बोला ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है केवल लोकहितार्थ के लिए। लोकहितार्थ के लिए आज माता अनुसुईया माता सीता पतिव्रत धर्म का होते मैंने कथे कि धर धीरज धर्म मित्र अनारी आपत्काल पर जारी धैर्य धर्म मित्र और स्त्री स्त्री की परीक्षा कब होती एक औरत की परीक्षा कब होती है जिस समय पति के ऊपर विपरीत परिस्थिति या यूं कहोगी संकट गरीबी रहे पत्नी की परीक्षा होती है पति के गरीबी और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टिगोचर करण तो बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है। तुलना करण अगर तो बिल्कुल अलग है। एक औरत जहाँ सर्वसमर्थ होए के बाद जरूरत नहीं समझे कि वाकई में समाज में घटना घटित होते भाई तेला में बता था पैसा है तो सब ही है। तो इस प्रकार से जो धर्म के बात है पत्नी के लिए भी है और पति के लिए भी है जो कर्तव्य जो निर्वहन जो कर्तव्य के पालन एक औरत करती पति के सेवा पति के साथ पूरा परिवार पूरा कुटुंब और बाल गोपाल के तो एक पुरुष ला भी तो चाहिए। औरत ला उपवास रखे के तीजा उपवास बच्चा के उपवास पति के उपवास एक औरत नहीं तो रखना है पति ला भी चाहिए बहु रखे व्रत पत्नी के लिए। इस प्रकार पत्नी के परीक्षा होते हैं कहते कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परक्षीय चारी आपत के काल आप अर्थात विपरीत परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में मित्र के पत्नी के परीक्षा होते आवा प्रसंग अवघन कर पुनोकर से पहले प्यारा सा भजन भरत प्रिय रामचंद्र की जय। काहे तेरी आँखी यो में पानी काहे तेरी आँखी यो में पानी हाय काहे तेरी आँखी यो में काहे तेरी अखियों में पानी है कृष्ण दीवानी तेरी अखियों में
मीरा, तुझे किस बात का डर है? तेरे संग तो तेरा श्याम है, हंसी के दुबीले किसका प्याला, हंसी के दुबीले किसका प्याला, तोहे का डर तोहे संग बबाला, तोहे का डर तोहे संग बबाला, होगी न तंगी तेरी माजी, होगी न तंगी तेरी माजी है, होगी न तंगी तेरी माजी, होगी न तंगी तेरी माजी है, कृष्ण दीवानी राजा परिवार, कृष्ण दीवानी राजा परिवार, दीवानी 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 मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा राम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा राम दीवानी, भगवान के पदार्पण हुई केवल पति भक्ति, अपना पति भक्ति रीति से माता अनुसुईया के जीवन में की गंगा के एक धारा ला। अत्रि जी महाराज स्नान करे बढ़ जाए, बहुत दूर जाना पड़े, माता अनुसुईया ला दुख होए, तो पति भक्ति के कारण से पतिव्रता धर्म के पालन और माँ गंगा एक धारा ला चित्रकूट में प्रवाहित करी, ताकि पति ला दूर जाए की जरूरत मत पड़े। पति भक्ति केवल पति भक्ति, पति भक्ति के कारण भगवान के ईश्वर के से साक्षात्कार हो। जगर कुटिया में भगवान आए, वैसे तो भक्ति भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान ला, तो ये एक पति भक्ति है।
नवधा भक्ति माता सबरी के जीवन में जहाँ भगवान राम के द्वारा प्रशस्ति वाचन हुए हैं और यहाँ पर भक्ति वैसे 11 प्रकार से भी भक्ति बताते, अगर ईश्वर ल प्राप्त करना है तो कहते पहला गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, स्मरण शक्ति, वात्सल्य शक्ति, तन्मयता शक्ति, कांत शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और परम विरह शक्ति रूपा एकधापि एकादश भवति। इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से भगवान ला आज माता अनुसुईया भक्ति के माध्यम से जीव ब्रह्म के परात पर मिलन होते। और यहाँ पर यही माता कथे माता वृद्ध रोग बसर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हूँ पति करके अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना और एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति प्रत प्रेमा। कथे की वृद्ध रोग रोगी मूर्ख निर्धन अंधा और बहरा क्रोधी और अत्यंत दीन, अगर इस प्रकार के अगर पति है कोई के पति, अब शरीर तो है भाई और दुख और सुख जीवन के दो पहलू है, कर्म के अनुसार वाकई में हर चीज कर्म के अनुसार में थे, पति है औलाद है, औलाद भी कहते ना चार प्रकार के औलाद होते, ऋण अनुबंध पुत्र, उदासीन पुत्र, शत्रु पुत्र और सेवा पुत्र। तो कर्म के अनुसार पति के गलत प्राप्ति होते और बता थे कि जिन रोगी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गरीब निर्धन हो, बहरा क्रोधी और दीन हो, इस प्रकार के अगर कहीं जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो ऐसा नहीं कि पति बीमार पड़ जाए तो पत्नी है वो पति ला त्याग दे। एक बहुत बड़े प्रश्न है हमारे समाज में, हम अन्य समाज के बात ला तो नहीं कहा लेकिन जहां तक हमारे साहू समाज के बात है, एक पत्नी एक पति अगर रोगग्रस्त हो जाए, रोगी हो जाए, तो एक औरत है वो चूंकि पति है तो कम से कम मांग भर सिंदूर हाथ भर चूड़ी, अब पति है तो एक पत्नी के समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है, ये तो वही जान सकते जे माता के मतलब जेकर पति नहीं है। एक पति अगर वृद्ध है, एक पति अगर रोगी है, एक पति अगर दीनहीन है, तो एक पत्नी एक एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण और कहीं अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र नहीं है, श्याम नगर में है तो हमारे घर में है। हमर नंदोई भाई, नंदोई भाई 2007 से ब्रेन हेमरेज के मरीज हुई, आज ओकर हर कृत्य ला हर काम ला वो अचल हो गई, ओकर एक साइड पूरा शून्य हो गए, एक साइड पूरा हाथ और पैर यहाँ तक ढक से पहचान नहीं सके, कोमा में रहिस, एक महीना डेढ़ महीना तक कोमा में रहिस रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में, डेढ़ महीना बाद कोमा से बाहर रही से तो अचल अवस्था में। एक पत्नी केवल पति के अपन धर्म के पालन करते, पतिव्रत धर्म के पालन करते कि पत्नी पति है सुहाग है तो सब है, समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है, और आज 2007 से हमारे घर में है श्याम नगर, मोर घर में है श्याम नगर में, ननंद है वो डेढ़ सास है वो हा, और तीन जन भांचा है, पांचों के पांचों मोर घर में रहते, और आज 2022 14 साल हो गए, मान पूरा संसार पूरा दुनिया है केवल एक कमरा में सिमट के रही गई, केवल बस दीवार ला देखते, होली के दिन साल भर में एक दिन निकालते ओला कुर्सी कुर्सी में बैठार करके खींचत, चूंकि अचल न बोल सके बात कर सके न कोई पहचान सके, बस जिंदा लाश की तरह जिंदगी जियत, लेकिन केवल एक औरत पति के सेवा करत है कि पति है तो प्रतिष्ठा है समाज में। 14 साल हो गए एकदम सत्य घटना मोर घर के बात है, मोर डेढ़ सास से पति के सेवा करत है, कमरा में देखते बहुत रोते, बहुत ज्यादा रोते, वो कभी हंसते भैया कभी रोते, बहुत दुख लगते, वाकई में एकदम पसीज जैसे हृदय है कि कभी आदमी के साथ ये टाइप के भी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो सकते, देख के दुख लगते, भगवान जिंदगी में ये दिन कभी मत दिखावे, भले मार के लेके जाबे लेकिन ये दिन मत दिखावे, एक पत्नी सेवा करते बहुत दुख होते जब देखथन तो, और आज भाई मन के सहयोग मिली समर्थ बन गए, बहुत बड़े बड़े टेंडर लेते
निधिहा और पति की सेवा करत एक स्त्री। लेकिन आज समाज में ऐसे भी प्रतिकूल परिस्थिति देखे बर मिलते, अगर पत्नी पति के जगह में अगर पत्नी होती, बीमार ब्रेन हेमरेज के मारली मतलब रोगी होती, तो का पति सेवा करती उसी प्रकार से? बहुत बड़े प्रश्नवाचक। एक जगह के घटना है, 2 साल हुई शादी हुई, पत्नी लेशनेज रोग हुई, पति एतन बैठक सकेल रिस, समाज में आवेदन दर रिस, मैं पत्नी नहीं रख सको, पत्नी अचल हो गए, मैं नहीं कर सकूं सेवा। अगर एक पत्नी पति की सेवा कर सकते समर्पित भाव से, और एक औरत चाहे तो चाहे कहाँ, पूरा पन संसार मानते पति के चरण का मनला, औलाद मन की सेवा करना, कुटुंब की सेवा करना, तो पत्नी के जितना धर्म बनते उतके धर्म पति के लिए भी बनते। अगर यहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी के तो केवल पत्नी के लिए ही नहीं है, पति के लिए भी है। पत्नी अगर रोगी हो जाए, वृद्ध हो जाए, है ना, दीनहीन बहरी अंधी जो भी हो जाए, पति और कर उपेक्षा ना करके ओकर ओकर सेवा करे और साथ 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 निभाना। साथी आजकल माथा मन देखते है कि नहीं, निभाना चाहिए। ऐसे हूँ पति करके अपमान नारी पाओ जमपुर दुख नाना, और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रत प्रेमा। और इस प्रकार के पत्नी अगर पति ऐसे पति के जिन दीनहीन गरीब रोगी मानती है एक उपेक्षा करते, तो और कहते कि वो रव रव नरक के अधिकारी बनते। और एक ही धर्म अर्थात शरीर मन कर्म वचन से जिन पति के सेवा करते, मतलब पत्नी के लिए केवल एक ही धर्म है एक व्रत नेमा, है ना, केवल पति के प्रेम, पति के प्रेम है। तो पति के प्रेम के कारण तो भगवान आज ब्रह्मा है ओकर आश्रम में, जेकर पदार्पण हो ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ। अब प्रसंग अवगहन कर पण ओकर से पहली प्यारा सा भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
प्रिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार से संसार जगत है वो मिथ्या है, एक केवल है तो सत्य, और उस सत्यता हम जिंदगी भर नहीं जान सकन। गीता में भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन ने सुंदर बात कहते, अर्जुन जी महाराज जब धनुष न उठाने की बात कर रहे हैं, मैं धनुष नहीं उठाऊ, मैं अपनों को नहीं मारना चाहता, बहुत सुंदर बात कहते, अपन कौन है ऐसे संसार में माया के बंधन में बंद करके रिश्ता नाता में, है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चैतन्य आत्मा हो करके एक माया रूपी बंधन में बंधे हुए नाता, माया रूपी जो है ना डोरी है और हम तोड़ नहीं सका था, बंधे हुए हैं। सुंदर बात कहते, चार दिनों की प्रीति जगत में, चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते घर के अगर प्रतिनिधित्व करता, घर के अगर मुखिया, घर के अगर कमाने वाला पुरुष अगर परलोक धाम चले जाए, घर में कथे तुरंत चालीस सजाओ, गंधावत है तुरंत अग्रभक्ति चलाओ, ये तो जीवन की सत्य है। दो तीन चीज भगवान अच्छा बना है, एक तो अन्न में कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न कर दे, अन्यथा जिस प्रकार से सोना चांदी ला सहेज करके रखते ना, उसी प्रकार से अन्न अलग अलग अन्न के एक तो दान भोग और तीसरा नाश होते, अन्यथा भोग के लिए गलत मतलब कोई व्यक्ति उपयोग नहीं करती, सहेज करके रखती। दूसरा चीज अच्छा बना है भगवान कि व्यक्ति के मरे के पश्चात जो आत्मा है बेजान, जब शरीर पार्थिव देह बच जाते गंध आए बल्लक थे दुर्गंध, घर परिवार के मन तुरंत अग्रबत्ती जलाते, तुरंत ले जाने के बात होते, अन्यथा अपनों को कोई नहीं जलाता, अपनों को कोई नहीं दफनाता, ना कोई बेटा अपन पिता ला दफनातीस ना जलातीस, ना कोई पिता अपन बेटा ला, अच्छा चीज बना है दो तीन चीज ला। और व्यक्ति के जीवन में अगर कर्म अनुसार अगर दुख है ना, तो दुख ला हम बेच नहीं सकन और सुख ला हम खरीद नहीं सकन, छोटी बात है किंतु महत्वपूर्ण है। कहते घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, इन रिश्तों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गवाते हैं, तोड़ इन रिश्तों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में चार दिनों के नाते हैं, ये जीवन के सत्य है।
इस प्रकार आज माता अनुसुईया केवल पति भक्ति के कारण से साक्षात्कार और यहाँ पर कथित जग पति व्रता चार विधि अही वेद पुराण संत सब कही उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। अर्थात जगत में चार प्रकार के पतिव्रता नारी के बारे में वेद और पुराण में उल्लेख है। कहते कि श्रेणी उत्तम श्रेणी के औरत वही है, उत्तम श्रेणी के नारी वही है जिन अपन पति के अलावा कोई दूसरा ला पुरुष ना माने। केवल अपन पति ला पुरुष और दूसरा ला पुरुष के दृष्टि से अर्थात केवल पुरुष माने तो अपन पति ला। और कथे की मध्यम पर पति देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नारी वो है जिन अपन से बड़े ला पिता के समान, अपन से बराबर ला भाई के समान और अपन ला छोटे से पुत्र के समान देखे वो मध्य वर्ग के नारी है। और धर्म विचार समुझी कुल रही सो निष्क्रिय क्रिय श्रुति अस कही है ना। और बिनु अवसर भय तेरह जोई जाने अधम नारी जग सोई पति बंचक पर पति रति करई रौ रौ नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका मिले मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बने रथ केवल दिखावटी के समाज ला दिखावत है कि मैं वाकई में पतिव्रत धर्म के पालन करत हूँ अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो इस प्रकार के नारी ला रौ रौ नरक है ना नरक के भागी बनते। तो यही है कि जिस प्रकार से एक औरत के धर्म और औरत धर्म समझ करके पतिव्रत धर्म के पालन पति भक्ति उसी प्रकार से एक पति लभी चूंकि जीवन के है ना ये जो जीवन है कि गाड़ी के दो पहिया है पति और पत्नी दोनों में सामंजस्य एक सूत्रता एक विचारधारा रहे तो जो गाड़ी है जीवन रूपी वो सही ढंग से चली और अगर कहीं एक डगमगा जाए तो फिर है कि नहीं। तो इस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य तो दृष्टिगोचर करण तो कहीं न कहीं और ज्यादा आज बहुत ज्यादा विकृति आते समाज में खास करके बेटी रोटी की समस्या जितने कथन हम समाज के जागरूक हो गए हैं। आज मन पसंद शादी बर बिहा होते बेटी बेटे मन के तो रिश्ता न तो जुड़त टाइम लगत है न तो टूटत टाइम लगत है इतना नाजुक हो गए रिश्ता है। पति पत्नी ला एक दूसरा ला समझना सामंजस्य बना करके और एक पत्नी है ना पत्नी ही एक औरत ही एक नारी ही घर का स्वर्ग बना सकते और एक नारी ही घर ला नरक बना सकते। माँ भारत युद्ध हो इसका बर युद्ध हो केवल माता द्रौपदी के एक हंसी के कारण से है कि नहीं। माता ना तो पासा में हारे से महाभारत युद्ध केवल माता द्रौपदी है जब इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के हस्तिनापुर ल कौंडर कौरव मर रखीस पांडव मला खंडप्रस्थ ल दे दिस और खंडप्रस्थ इतना सुंदर बना दिस इतना सुंदर बना दिस कि पूरा सब आदमी मन के जमघट लगे भीड़ भाड़ लगे देखे कि दुर्योधन भी सोची कि जा करके देखना तो चाहिए। वहाँ एक अनूठा दृश्य रही देखे बन मिले कि जो चीज दिखे वो रहे नहीं और जो चीज रहे वो दिखे नहीं। दुर्योधन जी महाराज जब गीस तो पहले तो दिखते सुंदर बगिया दिखते सुंदर फूल दिखते लेकिन वहाँ फूल नहीं रहे वहाँ पानी रहते और दुर्योधन है वो अपन कपड़ा संभाल में पैर फिसल गए। इतना में अट्टहास की आवाज है इस माता द्रौपदी के ना देवर जी तनिक संभल कर तो चलिए। तो इस प्रकार की केवल एक खसी अर्थात तात्पर्य की व्यक्ति के शरीर की संरचना में भगवान सारा अंगला पैर दो है दो दे है आंख दो दे है हाथ दो दे है कान दो दे है नाक के छेद भी दो है लेकिन ऐसे कौन से अंग है जिन एक है लेकिन कार्य दो है कि नहीं। कौन से अंग है ऐसे कौन से अंग है जो एक है लेकिन कार्य दो करते हाथ दो है पैर भी दो है आग भी दो है नाक के छेद भी दो है कान भी दो है लेकिन ऐसे कौन से अंग है जो एक ही ठन है अब काम दो करते कौन से अंग है वो मुंह हरी यहाँ से अमृत भी टपकते और यहाँ से जहर भी टपकते है कि नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो और इनको शीतल करे आप शीतल होए है कि नहीं। यहाँ ये मुंह है
जेकर से कड़वा वचन और अमृत सरीखा अमृत घला टपक थे मीठा वचन। तो केवल माता द्रौपदी की एक, तो इस प्रकार से महाभारत युद्ध माता द्रौपदी के कारण से, एक हंसी के कारण से। तो एक औरत है, कहना चाहिए घर स्वर्ग भी बना सकते, और एक औरत है वो घर नर्क भी बना सकते। सारा दायित्व बसरते आज चाहिए कि आज अपन घर की बात ना। एक औरत है, वाद विवाद के मूल जड़ बन जाते हमार मातावन, कहीं कहीं पड़ोसी के बातला मान करके, है ना। ये सारा चीज रामचरित मानस में दे है। मंत्रा कौन है? यही तो है समाज में। आज देखते एक दूसरा घर फोड़वाए की बड़ सुखी सुख दिखते, दूसरा के बात में कतई नहीं आना चाहिए। लेकिन हम अपन ला गैर समझता है ना, घर में अगर सास है ओला गैर समझता और पड़ोसी के सास ला हितैषी समझता। तो एक औरत है जो घर स्वर्ग बना सकते, एक औरत है जो घर नर्क बना सकते। अब वापस अवघन कर मनो कर से एक प्यारा सा हो जाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अब पीला बत्ती दो बात समाज के लिए, वर्तमान समाज में सर्व समाज के बाद बेटी रोटी की समस्या तो चले आते है। एक समस्या है माता पिता, माता पिता श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध करे से का मतलब। जियत पिता सम दंगम, दंगा मरे हार पहुंचाए गंगा। श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध करे से कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी समस्या बनी हमारे समाज के। माता पिता जैन, एक माता पिता जैन पांच जन छह जन औलाद ना पाल सकते, लेकिन पांच जन छह जन औलाद के द्वारा एक माता पिता ला नहीं पाले जा सके। हमारे समाज के बहुत बड़े विडंबना है, बहुत बड़े। कई ठन बैठक में जब जाथन तो देखथन कि केवल बहु बेटा आइस माता पिता ला अलग करिस। ओ माता पिता जे अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके भावनात्मक शहद मिला करके शिशु ला पिलाते, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक पिता जे शिक्षा दीक्षा दे, एक पिता जे उंगली पकड़ के चलना सिखाई। बेटा आज मैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखावत हूँ। जे दिन में अथकहा हो जाऊं, जे दिन में मोर पैर अचल हो जाही, वो दिन ते मोल पकड़ करके उंगली पकड़ करके आ तोला चला चलना सिखात हूँ। बेटा तोर हाथ ना थामे हो, वो दिन मैं अगर मोर अगर पैर डगमगा जाही तो ते मोल थाम लेवे। किंतु आज बहुत बड़े विडंबना है। कई बाप ला देखे हन अकेला, कई बाप ला प्रत्यक्ष उदाहरण देखो भई में। मोर मायके बकली के ही घटना है, पत्नी के बीते के बाद वो बाप अकेला, तीन चार जन बेटा है नाती पोता है लेकिन अकेला। और आज अच्छा हो जब जाना रहे ना तो पैदल बकली से पैदल भैंस मुंडी तक पैदल चल के आने को लिफ्ट मांगे। धन्य है तीन तीन चार चार बेटा के हुए होते हुए तो विडम्बना है। मानस मंज सस्ते तो का मनोरंजन के लिए, और एक आध तो भगवान राम के गुंडा जीवन में आत्मा साथ कर ले तो सार्थक हो जाए। माता पिता हो आओ एक अंतिम माता पिता के चरण कमल में एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात आपन से सादर विदाई। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरी बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हरी बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार
इतना प्यारा भजन और गीत संगीत के साथ ही साथ मिले प्रसंग पर भी आपका व्याख्यान प्रसंग आपको मिला अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 के नीचे सातवीं अर्धाली जहां पर प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं धीरज धर्म मित्रय रुनारी आपत काल परख है चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी। बहुत ही संदेश बंद करेंगे अभी आपके द्वारा आरती जी 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 आरती आरती होनी है आरती क्षमा चाहूंगा मैं बता नहीं पाया आपको समिति के साथीगण आ जाए अभी हम आप सुन रहे थे माँ कात्यायनी मानस परिवार श्याम नगर राजीव समिति के मित्रगण सभी आ जाएं और जैसे ही आरती हम संपन्न करेंगे विदाई के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सतवंती साहू श्रीमती गोंदाबाई धीवर आप दोनों बहनों से निवेदन है आप तैयार रहें आपके करकमलों से विदाई पानी है मंचस्थ मंडली के बहनों का आरती आरती के लिए हाँ आरती में दोहा क्रमांक
193 निकालिएगा। अच्छा वही राम स्तुति से चालू करना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। पहले आरती बोल रहे हैं, उसके बाद भी इसको बोलना है, स्तुति करना है सबको। लेना लेना राम तो तैयारी हो गई सिन्हा जी। सभी साथियों से, माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं भगवान के नजदीक आए, भगवान से दूरी ना बनाए। हाँ थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूरी बनाए, ज्यादा नहीं, एकदम दूरी नहीं, ताकि आपका फोटो बढ़िया आ जाए। यहाँ नहीं ध्यान भंग हो जाएगा। 191 बाल काल। विकेट दे दे उन्होंने, ठीक है। चलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वन पुत्र हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय, यज्ञ भगवान की जय। ये हो आरती उतारो, ताली के साथ सभी अपने से राम लखन जरूर गान के संग मसी तमैया के आरती उतारो, राम लखन भैया के संग मसी तमैया के आरती उतारो। Oh,
पुष्पन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी पवन सुत हनुमान की महामाया की आदि शक्ति माता जमदम्बे की शीतला माता की गांव की समस्त देवी देवताओं की आदि शक्ति माता की माता पिता की गुरु गोविंद की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की ओ हर हर, 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 हर।